नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जहां महिला से लेकर पुरुष, पशु से लेकर पक्षी तक सभी के सभी अंधे हैं। यही कारण है कि यहां के पक्षी उड़ नहीं पाते, पेड़ों से टकराकर गिर जाते हैं, पशु उनका शिकार नहीं ढूंढ पाते। और साथ ही साथ दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोगों की आंखें तो हैं, लेकिन वे सब देख नहीं पाते। सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। एक ऐसा गांव अस्तित्व में है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बात को जानने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह बात एकदम सही है। टिलटेपक नाम इस गाँव में जोपोटेक जनजाति के लोग बसते हैं। यहाँ जोपोटेक जाति के लगभग 300 रेड इंडियन निवास करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ जन्म के समय बच्चे ठीक होते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों में ही उनकी दृष्टिहीन वह बन जाते हैं। टिलटेपक एक सड़क के किनारे बसा हुआ गांव है, जहाँ करीब 70 झोपड़ियाँ हैं जिनमें खिड़की नहीं होती। इनके पीछे का कारण है कि इन्हें कभी रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गाँव के ज़्यादातर लोग अंधे हैं। जीवन में इस कमी के चलते यहाँ लोग पत्थरों पर सोते हैं और खाने में सेम, बाजरा और मिर्च खाते हैं। साथ ही इनके पास लकड़ी से बने औजार होते हैं जिनसे वे काम करते हैं। इनके जीवन का एक सूत्री काम होता है कि ये रात का खाना खाकर फिर शराब पीकर नाच गाना करते हैं और सो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इनकी इस बीमारी का कारण एक पेड़ है। यहाँ के वासियों के मुताबिक यहाँ स्थित लाव जुए का नामक एक पेड़ है, जिसे देखने के बाद लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं। इस गांव की तरफ वैज्ञानिक भी आकर्षित हुए। उन्होंने जांच की और पीछे का कारण जानना चाहा। जिस पेड़ की यह बात कर रहे थे, वैज्ञानिकों को इस बात से इत्तेफाक नहीं। उनका कहना है कि उसी पेड़ को देखने के बाद भी पर्यटकों को ये बीमारी क्यों नहीं होती। वहीं वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि यह समस्या उन्हें एक काली मक्खी के काटने के कारण होती है। इस वैशीली मक्खी के काटने से उनके शरीर में एक तरह के कीटाणु फैल जाते हैं। उनकी आंखों की नसों को वह ब्लॉक कर देते हैं, जिससे दिखना बंद हो जाता है। और यह विशेष तरह की काली मक्खियाँ होती हैं, 1 इंच के 5वें भाग के बराबर की। जब यह मक्खियाँ किसी को काटती हैं, तो यह कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ ही दिनों में काटने के बाद शरीर में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे कीटाणु आंखों की दोनों नसों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।